गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की वीडियो है अबाउट लिपस्टिक अगेन। सो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो शूट की थी जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी लिपस्टिक कलेक्शन और आप लोगों से पूछा था कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। तो आप लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट किए और आप लोगों ने मुझे कहा कि आप लोग इसका पार्ट टू देखना चाहते हो और आप इंटरेस्टेड थे। सो हेयर आई एम विद माई पार्ट टू लिपस्टिक कलेक्शन। सो ये मेरे पास में पिटारा है अगेन ऑफ माय फ्यू लिपस्टिक्स जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और शेयर करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये सारी लिपस्टिक्स मैंने विद इन द पैसेज ऑफ 2 या 3 साल में इकट्ठा की है और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है दैट आई एम फ्लॉन्टिंग माई लिपस्टिक कलेक्शन और फ्लॉन्टिंग माई लाइक शॉपिंग, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको हेल्प मिल सकती है अगर आप लिपस्टिक खरीदने की सोच रहे हो तो कौन सी लिपस्टिक ब्रांड अच्छी है कौन सी नहीं वो मैं आपको बता सकूं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इन टू द वीडियो। सो गाइज, ये है मेरा लिपस्टिक कलेक्शन। हम इसको सेग्रीगेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स एंड आई विल शो यू हैंड स्वॉचेज ऑफ फ्यू ऑफ द लिपस्टिक्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरुआत करते हैं नायका की लिपस्टिक से जो कि मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये दो लिपस्टिक जो है ये नायका अल्ट्रा मैट रेंज में से है। फर्स्ट वन इज नेफर्टिटी एंड सेकेंड वन इज मार्लिन। मार्लिन जो है बहुत अच्छा ड्यूप है, आप देख सकते हो कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मार्लिन बहुत अच्छा ड्यूप है मैक रूबी वू का और ये सर्दियों के टाइम पे काफ़ी अच्छी मैट होती है लेकिन इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए थोड़ी सी ये पिघल गई है। बेस्ट ये इसे रेफ्रिजरेटर में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा रूबी वू का ड्यूप है एंड नेफर्टिटी एक ऑरेंज बेस्ड कोरल न्यूड शेड है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस शेड, इसमें एक ऑरेंज टोन आता है और ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। देन मेरे पास में नायका मोल्टन मैट रेंज में से रेचल शेड 01। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस शेड और यही शेड मैंने आज अपने लिप्स पे अप्लाई किया हुआ है एंड दिस इज द वन। बहुत अच्छा न्यूड शेड है एंड आई लव दिस वन एज वेल। देन आई हैव दिस नायका मेटलिशियस लिप क्रेयॉन इन द शेड मोका सिन। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ब्राउनिश न्यूड शेड है एंड बेस्ट फॉर मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत बहुत अच्छा न्यूड है। इसमें कुछ कुछ ग्रे अंडरटोन है बट स्टिल दिस लुक्स फैबुलस। देन ये मिनी रेंज में से मेरे पास दो है, एक 48M शेड है और एक 12M शेड है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू बाय इट यू कैन। यहाँ पे मेरे पास में है नायका की पाउट परफेक्ट लिपस्टिक इन द शेड स्वीट एज हनी। दिस वॉशेज मी आउट सो आई डोंट यूज इट मच, एज अ ब्लश मैं यूज कर लेती हूँ इसे कभी कभी। एंड देन आई हैव दिस ब्रेकल लेग लिपस्टिक फ्रॉम देयर क्रीमी मैट लिप कलेक्शन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नेक्स्ट ब्रांड मैं शेयर करूंगी मेबलिन। मेरे पास में ये सारी लिपस्टिक है मेबलिन की, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम क्रीमी मैट रेंज। पहला जो लिपस्टिक है दिस इज मेबलिन न्यूयॉर्क सेंसेशन लिक्विड मैट इन द शेड ट्रूली MLBB। ये एक काफ़ी अच्छा पिंकी न्यूड शेड है बट दिस कैन वॉश आउट फ्यू अंडरटोन्स लाइक मीडियम अंडरटोन को ये थोड़ा वॉश आउट कर सकती है लेकिन ये भी बहुत अच्छा शेड है। 349 की रेंज में आता है। देन ये है मेरे पास कॉपर रोज शेड जो कि इनका थोड़ा सा मेटालिक लुक में है ये वाला शेड। दिस लिप शेड इज एलमंड पिंक फ्रॉम मेबलिन क्रीमी मैट। दिस वन इज डेयरिंगली न्यूड, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस न्यूड शेड। देन आई हैव रिच रूप जो कि बहुत ही प्यारा रेड शेड है। नेक्स्ट आई हैव टच ऑफ स्पाइस जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स के सुना होगा एंड दिस इज अ वेरी नाइस मॉवी न्यूड शेड। नेक्स्ट आई हैव दिस टच ऑफ न्यूड फ्रॉम देयर प्राउडर मैट कलेक्शन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस शेड। इसके बाद मेरे पास में है ये चिली न्यूड। अगर आप रेड लिपस्टिक लगाना चाहते हो बट आपको ब्राइट रेड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो आप ये वाला चिली न्यूड ले सकते हो। ये रेड है विद ब्राउन अंडरटोन और बहुत ज़्यादा सटल भी लगता है। देन आई हैव फ्यू बेबीज फ्रॉम मिस क्लेयर।
तो पहले हम लेते हैं मिस क्लेयर की चबी स्टिक इन द शेड 60। ये बहुत काइंड ऑफ अ रानी कलर है, ये काफी ब्राइट और बोल्ड कलर है, तो ये मीडियम टू डस्की स्किन टोन पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने वाला है। एंड देन आई हैव द शेड 17A। ये शेड के बारे में आपको क्या बताऊं कि अगर आपको ये वाला शेड कहीं से मिल रहा है, जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज दिस इज सच अ नाइस रोजी पिंक शेड। ये इतना सुंदर लगता है पहनने के बाद, और दिस इज गोइंग टू लुक फैबुलस ऑन ऑल द स्किन टोन, बिलीव मी। और आपके पास में अगर शॉप पे ये वाला शेड आपको मिल रहा है तो जस्ट ग्रैब इट राइट अवे। एंड आई हैव दिस मिस क्लेयर लिपस्टिक विद विटामिन ई इन द शेड ड्यून 10। ये भी एक न्यूड शेड है, ये एक ट्रू न्यूड शेड है। इट लुक्स नाइस एंड काइंड ऑफ अ क्रीमी मैट टेक्सचर है इसका। एंड अगेन फ्रॉम देयर लिक्विड सॉफ्ट मैट लिप क्रीम कलर आई हैव द शेड विद नंबर 36। ये वाला एक ऑरेंज शेड है और ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है इस समर सीजन में, बिकॉज ये ब्राइट शेड बहुत सुंदर लगते हैं समर टाइम में। एंड देन आई हैव द 07 शेड विच इज अ ब्राइट फूशिया पिंक शेड एज यू कैन सी इन द पैकेजिंग। सो आई हैव दीज मैनी लिपस्टिक्स फ्रॉम मिस क्लेयर। आई हैव सो मैनी लिपस्टिक्स फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे, और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम देयर लैक्मे मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर। ये वाला जो रेंज है गाइज, इतना ज्यादा अच्छा रेंज है, और ये 750 की रेंज में आता है, लेकिन इस टाइम 499 का अवेलेबल है नायका पे। और ये इतना ज्यादा कंफर्टेबल है लिप्स पे कि आपको लगता ही नहीं है कि आपने कोई भी लिक्विड लिपस्टिक लगा रखी है। तो आई हैव फ्यू ऑफ द फेमस शेड फ्रॉम दिस कलेक्शन, और अगर इस कलेक्शन में से मुझे आपको कुछ रिकमेंड करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये वाला शेड जो कि है विंटेज पिंक, और ये रेड शेड जिस फायर स्टार्टर रेड। ये दोनों ही शेड बहुत सुंदर लगते हैं, और मैं आपको इन दोनों का ही स्वॉच दिखाने वाली हूँ। ये वाला रेड शेड आप देखो कितना प्यारा रेड शेड है, और ये बहुत ही फबता है फेस पे। और ये वाला रेड शेड बहुत ही ब्राइट रेड शेड है, और ये फेस को एकदम से ब्राइटन अप कर देता है जब भी आप इसको अप्लाई करते हो। ये विंटेज पिंक है, ये डस्टी रोज कलर है, और ये भी सारे स्किन टोन पे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। देन फ्रॉम द सेम रेंज आई डू हैव दिस न्यूड हिट, जो भी एक अच्छा शेड है। देन फ्रॉम दिस लिप एंड चीक मूज आई डू हैव टू शेड्स कॉल्ड ब्लश वेलवेट एंड पिंक ब्लश। मुझे एक्चुअली ब्लश वेलवेट जो है काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये मैक वेलवेट टेडी का ड्यूप है, एंड पिंक ब्लश एक नॉर्मल सा ब्राइट पिंक शेड है, सो आई गॉट इट फ्री विद माई ऑर्डर, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। And then I do have this Lakme liquid lip color from the Forever Matte range in the shade Nude Twist. ये एक बहुत ही अच्छा ब्राउनी न्यूड शेड है, और अगर आपको कम रेंज में एक लिक्विड लिपस्टिक चाहिए, बिकॉज ये रिटेल करता है 295 rupees का, तो आप डेफिनेटली ये वाला लिप शेड ट्राई करो। मूविंग ऑन टू द लास्ट शेड विच इज Lakme एब्सोल्यूट लिपस्टिक इन द शेड ब्लशिंग रेड। ये एक ब्लू टोन रेड शेड है, जो कि एक अच्छा ड्यूप बन सकता है मैक रूबी वू का, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। बस फर्क इतना है, ये थोड़ा सा ज्यादा क्रीमी है और मैक रूबी वू थोड़ा सा ड्राइंग है। आई हैव फोर लिपस्टिक्स फ्रॉम फेसेस कैनेडा, जो कि दो तो है इनकी न्यू रेंज में से। पहला जो है वो है प्रिटी सीपिया। फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, ये लिपस्टिक सस्ती जरूर है, 295 की रेंज में आती है, बट मुझे इनका फॉर्मूला अच्छा नहीं लगा। इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है लिप्स पे, और बहुत ही वैक्सी कंसिस्टेंसी मुझे इसकी लगती है, और आपको बहुत ही हैवी लगता है ये लिप्स पे। आई डोंट नो आप लोगों के क्या व्यूज हैं इन लिपस्टिक्स के लिए, बट मेरे व्यूज इन लिपस्टिक्स के लिए अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट आई हैव दीज लिप क्रेयॉन्स फ्रॉम फेसेस कैनेडा, जो कि मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। फर्स्ट वन इज मिडनाइट रोज, जो कि बहुत ही सुंदर रेड शेड है विद मरून अंडरटोन। अगर आप न्यूली मैरिड हो तो ये शेड आपके लिए मस्ट हैव है, क्योंकि इतना सुंदर लगता है फेस पे। एंड देन दिस इज अ रस्टी शेड, जो कि है रेली रस्ट। ये भी अच्छा लगता है, अगर आपको ऑरेंज शेड लगाना पसंद है तो आप ये वाला सटल ऑरेंज शेड ले सकते हो। देन आई हैव टू बेबीज फ्रॉम दिस लिक्विड कैट सूट रेंज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये तो ऑब्वियसली आप पहचान ही गए होंगे, ये है उनका शेड गिव मी मोका, और ये बहुत ही अच्छा ब्राउन टोन न्यूड शेड है। ये जो है ये शेड है, और ये सारे स्किन टोन पे बहुत ही सुंदर लगता है। देन आई डू हैव रिबेल रोज, जो कि एक डस्टी पिंक शेड है, और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे इतना सुंदर लगता है गाइस।
आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल दिस शेड इज. देन मूविंग ऑन टू द शुगर ब्रांड, दिस इज देयर नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वियर लिपस्टिक इन द शेड पीचर पेट. अगर आप देख रहे हो कोई पीच कलर की लिपस्टिक, देन आई वुड सजेस्ट यू दिस वन, क्योंकि ये इतना सुंदर लगता है और इंस्टेंटली आपके फेस को ब्राइटन अप कर देता है. ये इतना सुंदर पीची ब्राउन शेड है और ये परफेक्ट लगता है फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे, और ये काइंड ऑफ अ न्यूड लुक देता है आपके लिप्स पे. देन आई हैव दिस वेरी फेमस शेड कॉल्ड होली गो लाइटली, जो कि अगेन एक बहुत ही सटल पिंकी न्यूट शेड है और ये 799 की रेंज में आता है, बट वर्थ एवरी पेनी क्योंकि इतना सुंदर लगता है लिप्स के ऊपर लगा के. आई डू हैव वन लॉरियल लिपस्टिक इन दिस कलेक्शन, जहां पे मेरे पास में है ये लॉरियल ले मैट लिपस्टिक इन द शेड शी सो मैट 102, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा सटल डस्की पिंक शेड है, बहुत ही सुंदर लगता है सारे स्किन टोन पे. और अगर आप लॉरियल लिपस्टिक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वाला लिप शेड ले लो, क्योंकि ये एक क्रीमी मैट लिपस्टिक है और काफी देर तक टिकी रहती है लिप्स पे. आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पैक लिपस्टिक, सो मेरे पास में उनकी सिर्फ एक लिप शेड, जो कि देयर रेट्रो मैट ग्लॉस रेंज में से है इन द शेड एम्बर स्टोन. ये एक ट्रू न्यूड शेड है, कभी कभी ये मुझे वॉश आउट करता है और कभी कभी ये मेरे फेस पे अच्छा लगता है. सो आई एम प्रिटी कंफ्यूज कि ये शेड मेरे लिए अच्छा है बुरा, बट दिस इज हाउ द शेड्स लुक लाइक, बट दिस इज गोइंग टू लुक फैबुलस ऑन वेरी फेयर स्किन टोन. आई हैव ओनली वन लिपस्टिक फ्रॉम दिस ब्रांड मैक, विच इज देयर प्लीज मी लिपस्टिक, जो कि एक पिंक शेड है, बहुत सुंदर लगता है डे टाइम में. आई हैव दिस टू लिपस्टिक फ्रॉम कलर बार लिक्विड लिपस्टिक रेंज. पहला तो है ये हॉलीवुड, जो कि एक ब्राइट रेड शेड है. ये थोड़ा सा ड्राइंग है लिप्स पे, 950 की रेंज में आता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है ऑलमोस्ट 5 to 6 hours. और ये वाला जो है ये है रॉयल पिंक, जो कि एक बहुत ही सटल पिंक शेड है. ये शायद मीडियम स्किन टोन के लिए थोड़ा सा वॉश आउट कर सकता है, लेकिन फेयर स्किन टोन के लिए बहुत ही सुंदर पिंक शेड बन सकता है. फ्रॉम शेम्बोर आई हैव दिस वन लिपस्टिक, जो कि है 483, जो कि अगेन एक ब्राउन टोन्ड न्यूड शेड है. थोड़ा सा डार्कर साइड में ही आ जाएगा, बट ये 750 या 800 की रेंज में आता है, बट एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ऑन लिप्स. और अगर आपको इसका ट्रू न्यूड शेड लेना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसका ब्रून जंगल एक शेड आता है 481 नंबर, वो जरूर ट्राई करना. यहाँ पर मेरे पास में है इन कलर की लिपस्टिक इन द शेड N420, जो कि एक पीची न्यूड शेड है. ये ड्राई करता है आपके लिप्स को और अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं है इसमें से जो आती है. थोड़ा सा इरिटेटिंग लग सकता है शुरुआत में जब तक ड्राई आउट नहीं हो जाती है, बट जो शेड है इन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा प्यारा लगता है. देन आई हैव दिस ब्लू हेवन का क्रेयॉन, जो कि है इन द शेड कोकोआ मेनिया. ये एक बहुत ही ज्यादा सुंदर कलर है, थोड़ा सा पीच अंडरटोन, पीच और ब्राउन अंडरटोन का न्यूट शेड है. एंड दिस वन इज वेरी वेरी चीप, मतलब 125 के आसपास का था ये, बट वर्थ एवरी पेनी क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाता है बिल्कुल और ये मैट लगता है और लंबे टाइम तक टिकता है. दिस इज माय ग्लैम का लिट लिक्विड लिपस्टिक, स्टार गेजर मेरे पास में मैंने शेड लिया है. मुझे एक्चुअली वेबसाइट पे देख के ये न्यूड जैसा लगा, लेकिन ये कोरल शेड है गाइज, ये न्यूड शेड कहीं से भी नहीं है. आप देख सकते हो ये जो है ये कोरल शेड की लिपस्टिक्स हैं. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक मुझे नहीं लगी, 395 की रेंज में शायद थी ये दोनों लिपस्टिक. पैकेजिंग बहुत ही यूनिक और अच्छी है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइंग भी है लिप्स पे. मूविंग ऑन टू द एले कलर पाउट लिप ग्लॉस मैट लिपस्टिक, आई डोंट नो द शेड, दिस वन इज लेट्स किस शेड, जो कि एक पिंकी न्यूड शेड है. कैन वॉश आउट मीडियम टू डार्क स्किन टोन,
बट फेयर स्किन टोन के लिए बहुत ही सुंदर सटल पिंक बन सकता है। अगर आप लिपस्टिक लवर नहीं हो बट आपको स्टिल थोड़ा कलर चाहिए अपने लिप्स, सो आई वुड सजेस्ट यू दिस फेस शॉप का वॉटरी टिंट इन द शेड रेड अप। इसमें बहुत सारे शेड आते हैं, पिंक का भी शेड आता है, बट आई वुड सजेस्ट रेड अप क्योंकि रेड अप को आप बिल्डअप कर सकते हो और इसको एज अ ब्लश, एज अ लिपस्टिक भी लगा सकते हो और एज अ लिप टिंट भी लगा सकते हो। थोड़ा सा कोरियन लुक भी दे सकते हो आप अपने मेकअप को इसके थ्रू, क्योंकि आप इसको अपने मनचाहे तरीके से बिल्डअप कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 400 कुछ का है, लेकिन डिस्काउंट पे आपको 300 कुछ का आराम से मिल जाएगा। देन दिस बेला वास्ते लिप ग्लॉस इज लव। अगर आपको बहुत ज्यादा मैट लिपस्टिक पसंद नहीं है तो आप ये बेला वास्ते के लिप ग्लॉस ले सकते हो, क्योंकि ये काफी पिगमेंटेड है और बहुत ही जूसी लुक देते हैं लिप्स को। आप देख सकते हो कितना सुंदर शाइनी लुक दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है गाइज, मन करता है कि थोड़ा जूसी लुक और थोड़ा शाइनी प्लम्पी लुक दे लिप्स को, तो उस केस में ये लिप ग्लॉस बहुत काम आता है और सुंदर भी लगता है। लास्ट टू लिपस्टिक जो है, पहली है स्टेक वॉकी की लिपस्टिक इन द शेड ब्लड ऑफ माय एनिमीज। तो ये एक डार्क ब्राउन टोन रेड शेड है, काफी वैम्पी भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, बट लगता बहुत सुंदर है लगाने के बाद। व्हाइट कलर के साथ तो बहुत ही सुंदर लगता है। देन लास्टली मेरे पास में है पर्पल की लिपस्टिक 4AM पार्टनर, जो कि अगेन एक न्यूड शेड है और काफी ज्यादा यूट्यूबर्स रेव भी करते हैं इसके बारे में। ये मुझे खास पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी हैवी लगती है और टेक्सचर वाइज ये मुझे फेसेस कैनेडा की, मैंने आपको लिपस्टिक दिखाई थी ना 295 की रेंज की, कुछ कुछ वैसी लगती है, तो मुझे ये पसंद नहीं है और ये ज्यादा टिकती भी नहीं है लिप्स पे। आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ तो प्लीज मुझे इस वीडियो पे जरूर लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉग विद रूबल। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड इस तरीके की और वीडियोज आप देखना पसंद करोगे या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ माय आई शैडो पैलेट कलेक्शन, तो अगर वो देखना है तो प्लीज नीचे यस लिखो या फिर कुछ ना कुछ कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि यस यू वांट टू सी दैट। एंड या मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।